आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत जीवन को चेतन काटा बदल गया। नमकीन इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। If you are a company and want to become a brand, contact SM Production House for all branding solutions like TVC ads, radio promotion, branding, digital promotion, YouTube promotion, etc. Contact us on the numbers given below. क्या अद्भुत माहौल बना दिया सतमोला कवियों के इस चौपाल में भजनी जी ने। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चार पंक्तियां कहने का मेरा मन हो रहा है कि कभी मैं फूल हो जाऊं कभी मैं खार हो जाऊं, कि कभी मैं फूल हो जाऊं कभी मैं खार हो जाऊं, अंधेरी बस्तियों के वास्ते गुलजार हो जाऊं। कि कभी मैं फूल हो जाऊं कभी मैं खार हो जाऊं, अंधेरी बस्तियों के वास्ते उजियार हो जाऊं। मेरी धरती मेरी माटी मुझे तुम बाह में ले ले। कि मेरी धरती मेरी माटी मुझे तू बाह में ले ले। लिपट कर धूल से तेरी मैं भी कचनार हो जाऊंगा। कि लिपट कर धूल से तेरी मैं भी कचनार हो जाऊं। हर एक वर्दी में तना हुआ सिपाही यही कहता है। इन्होंने सिपाही के लिए जो प्रेम का गीत पढ़ा, जो राष्ट्र प्रेम का गीत पढ़ा, बड़ा अद्भुत था। सतमोला कवियों की चौपाल में हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों से ऐसे ही कलम के सिपाही शिवम सिंह सिसोदिया को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से। सतमोला कवियों की चौपाल के आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले अपने एक मुक्तक के बाद आपको अपनी कविता से जोड़ता हूँ। एक सैनिक जो सीमा पर रक्षा के लिए जा रहा है और अपनी माँ को याद कर रहा है, इत्तेफाक से उसकी माँ का नाम भी सीमा है, वो लिखता है, सुनो माँ हर कदम चलने पे तेरी याद आती है, सुनो माँ हर कदम चलने पे तेरी याद आती है, इधर सीमा बुलाती है उधर सीमा बुलाती है, इधर सीमा बुलाती है उधर सीमा बुलाती है, तेरी गोदी में सोना चाहता हूँ मगर मजबूर हूँ मैं माँ, तेरी गोदी में सोना चाहता मजबूर हूँ मैं माँ, धरा की गोद मुझको फर्ज की यादें दिलाती है, धरा की गोद मुझको फर्ज की यादें दिलाती है, तेरी आँखों के तारे को सुनो माँ दूर जाना है,
तेरी आँखों के तारे को सुनो माँ दूर जाना है, करोड़ों माँओं की गोदी उजड़ने से बचाना है, करोड़ों माँओं की गोदी उजड़ने से बचाना है। चुका पाया न कर्जा दूध का तो माफ तुम करना, चुका पाया न कर्जा दूध का तो माफ तुम करना, मगर इस भूमि माता का मुझे कर्जा चुकाना है, मगर इस भूमि माता का मुझे कर्जा चुकाना है। अपनी मुख्य कविता से आप सभी को जोड़ता हूँ। भारत माता चीख रही है कैसे मैं श्रृंगार लिखूं, भारत माता चीख रही है कैसे मैं श्रृंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं। ऐ नापाक इरादों वाले जुर्रत कैसे कर डाली, ऐ नापाक इरादों वाले जुर्रत कैसे कर डाली, वार किया सिंहों पर तूने हिम्मत कैसे कर डाली, वार किया सिंहों पर तूने हिम्मत कैसे कर डाली। बार बार करता है जो तू अपनी करतूतें काली, बार बार तू करता है जो अपनी करतूतें काली, बेटों पर हथियार चला छीने माँ के मुख की लाली, बेटों पर हथियार चला छीने माँ के मुख की लाली। प्रेम सुकून चैन निंदिया का कैसे अब आधार लिखूं, प्रेम सुकून चैन निंदिया का कैसे अब आधार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं। कवि अपनी कविता में क्या लिखना चाहता है, तांडव लिख दूं महारुद्र का या अधर्म का काल लिखूं, तांडव लिख दूं महारुद्र का या अधर्म का काल लिखूं, अर्जुन का गांडीव लिखूं या चक्र सुदर्शन ज्वाल लिखूं, अर्जुन का गांडीव लिखूं या चक्र सुदर्शन ज्वाल लिखूं। महावीर की गदा लिखूं सागर का महा उबाल लिखूं, महावीर की गदा लिखूं सागर का महा उबाल लिखूं, लिखूं शूल शंकर का या अभिमन्यु सुभद्रा लाल लिखूं, लिखूं शूल शंकर का या अभिमन्यु सुभद्रा लाल लिखूं। जिसको सुन कौरव दल का पा पांच जन्य हुंकार लिखूं, जिसको सुन कौरव दल का पा पांच जन्य हुंकार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं। कभी अपने पूर्व में हुए वीर पुरुषों को याद कर रहा है, इतिहास के वीर पुरुषों को याद करते हुए मैंने लिखा, भाला लिखूं महाराणा का या अर्जुन के बाण लिखूं, भाला लिखूं महाराणा का या अर्जुन के बाण लिखूं, विकट मराठा वीर शिवा की ज्वालामयी कृपाण लिखूं, विकट मराठा वीर शिवा की ज्वालामयी कृपाण लिखूं, शेखर की पिस्तौल लिखूं या भगत सिंह के प्राण लिखूं, शेखर की पिस्तौल लिखूं या भगत सिंह के प्राण लिखूं, अमर शहीदों का यश गाता कोई अमर पुराण लिखूं, अमर शहीदों का यश गाता कोई अमर पुराण लिखूं, अमर शहीदों का यश गाता कोई अमर पुराण लिखूं। क्षुब्ध हुआ सागर जिससे वह राम धनुष टंकार लिखूं, क्षुब्ध हुआ सागर जिससे वह राम धनुष टंकार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं। अंतिम बंद पढ़ता हूं, प्रलय आएगा हर एक गण हर की सेना का गण होगा, प्रलय आएगा हर एक गण हर की सेना का गण होगा, कुटिल विषधरों का अब तो एड़ी के नीचे फण होगा, कुटिल विषधरों का अब तो एड़ी के नीचे फण होगा, पुष्ते भूल न पाएंगी अवरण इतना भीषण होगा, पुष्ते भूल न पाएंगी अवरण इतना भीषण होगा, निश्चय पाक मिटेगा अब जीवन जय या कि मरण होगा, निश्चय पाक मिटेगा अब जीवन जय या कि मरण होगा, अश्रुधार जो नैनों में उनको लावा की धार लिखूं, अश्रुधार जो नैनों में उनको लावा की धार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं, भारत माता चीख रही है कैसे मैं श्रृंगार लिखूं, दुश्मन की छाती भेदे जो अब मैं वो अंगार लिखूं। आए ऋतु राज तो बिसार सब काज कोई, मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती, हंसा के जल बत जीवन को,
चेतन काटा बदल गया। क्या बात है दादा की। नमकीन इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। Company and want to become a brand, contact SM Production House for all branding solutions like TVC ads, radio promotion, branding, digital promotion, YouTube promotion, etc. Contact us on the numbers given below.